बाएं हाथ के ऊपर वाइब्रेशंस देंगे, श्री गणेश मंत्र देंगे।
गांठ को बांध लेंगे, उसी के ऊपर तीसरी गांठ, अपने दोनों नाभि चक्र के बीच में सभी प्रकार के दोष बाधाएं निकाल दीजिए। मेरे अंदर जो भी असमाधानी वृत्ति है, अशांति है, मेरे परिवार से जो मेरे अंदर बाधाएं आ रही हैं, कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। श्री गृह लक्ष्मी साक्षात गौसागर चक्र के लिए, या फिर यहाँ बीच में तलवे पे बीचों बीच प्राचित अपने गौसागर पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके मेरे अंदर जो भी अगुरु से, कुगुरु से, अविद्या से या तांत्रिक विद्या से जो भी बाधाएं आई हैं, कृपा करके आप उसे निकाल दें। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात चक्र पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके मेरे बाह्य हृदय चक्र के सभी प्रकार के दोष बाधाएं जड़त्व निकाल दीजिए। मेरे आत्मा के ऊपर जो भी बाधाएं हैं, कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। मेरे अंदर जो भी लिप्तताएं हैं, कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। शिव पार्वती बनाएंगे उसी के ऊपर दोनों विशुद्ध चक्र के बीच में।
पुराचित अपने बाह्य विशुद्धि पे श्री माताजी कृपा करके मेरे बाह्य विशुद्धि से सभी प्रकार की दोष बाधा निकाल दीजिए। मेरे अंदर जो भी दोषीपन का भाव है कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। हमारे अंदर भाईचारे के बीच जो भी बाधाएं आ रही हैं कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। श्री विष्णु माया साक्षात आज्ञा चक्र के बीच में पुराचित अपने भाई आज्ञा पे श्रीमात जी मेरे अंदर जो भी कुसंस्कार है जो भी प्रति अहंकार है कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। श्रीमात जी मेरे ऊपर किसी भी मृत आत्मा का चित है कृपा करके आप उसे निकाल दीजिए। श्री महावीरा साक्षात गोला बना के अपने बाएं हाथ पे रख देंगे। फिर से मूलाधार चक्र नीचे आज्ञा चक्र ऊपर। अपना पूरा चित अपने बाएं साइड पे ईरा नाड़ी पे श्री माता जी कृपा करके मेरी ईरा नाड़ी से सभी प्रकार के दोष बाधाएं जलन द्वारा दूर कर दीजिए। श्री महाकाली साक्षात श्री भैरव साक्षात माइक यूज कर लीजिए।
इसको जब ऑयल में हम डीप करेंगे, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के ऑयल में इसको डालना है, फिर इस धागे के ऑयल को निचोड़ना है। एक इसको किसी भी चीज में आप लपेट सकते हैं, इसको होल्डर कहते हैं। तार ले लीजिए, तभी ले लीजिए, उसको बांध के इसको ऐसे पकड़ना है। फिर इसको जलाते हुए, ये पूरा धागा जब तक नहीं जलता उसको देखते हुए, ओम तमेव साक्षात श्री शुद्ध इच्छा साक्षात, पूरा मंत्र लेते रहना है जब तक ये धागा पूरा नहीं जलता, ठीक है। फिर इसको जलाने के बाद सेम तरीका है, बाहर जाके जला सकते हैं, बाहर आपके गार्डन में, अगर आपके पास बाहर जगह है तो उसमें, नहीं है तो आप अपने टॉयलेट में इसको बंद कर सकते हैं। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं जिनके पास जगह नहीं है बाहर, वो अपने टॉयलेट में जला सकते हैं। पूरा जलाने के बाद फिर आप, आपको आपके श्री माता जी को प्रणाम करना होता है, फिर आपकी उंगली बांध के बंधन लेना है। उसके बाद आपको ध्यान करना है, देखना है कि आपके बाई चैनल पे वाइब्रेशन में क्या चेंजेस आए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है पूरे अपने ईरा नाड़ी को स्वच्छ करता है। तो इसको करने के बाद आपको आपकी ईरा नाड़ी के जो चैतन्य में है उसके ऊपर देखना है कि उसमें क्या फर्क आया पहले और बाद में, ठीक है। अभी हम ज़्यादा लोग हैं तो इसको हम कलेक्टिवली बंद करेंगे। कैंडल लगवा दी। अच्छा, तेल है इसका? तेल नहीं है तो ऐसे जलाना। तो आप अपना इंडिविजुअल जला लीजिए, बाहर कैंडल रखती हैं तो जैसे पहले हमने धागा पेपर बनी किया था वैसे ही थोड़े थोड़े लोग जाके अपना धागा जला के आगे या आगे प्रणाम करके बैठ जाएंगे बंधन लेके, ठीक है। श्री शुद्ध इच्छा साक्षात मंत्र, तेल नहीं है आज हमारे पास, कोई बात नहीं है, श्री माता जी को सब पता है, आप ऐसे धागा जला दीजिए, इससे भी आपके बाधा सारे निकल जाएंगे। नहीं, श्री माता जी के सामने नहीं जलाना होता है, बाहर या टॉयलेट में जाते ही, और मूलाधार चक्र की गांठ नीचे ही रहेगी।